आप सबका हमारे YouTube चैनल गुड फूड नेटवर्क में स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं वड़ा पाव। इसके लिए हमें चाहिए 6 उबले हुए आलू। इन आलू उबले हुए आलू को हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 बारीक कटी हुई प्याज, 5 से 6 बारीक कटे हुए हरे मिर्च, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून हवे जीरे का पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 छोटी कटोरी कटा हुआ पुदीना, कटा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून हल्दी, नमक हम अपने हिसाब से ऐड कर टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लेंगे और उन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हमारा वड़ा का फिलिंग रेडी है। अब हम बनाएंगे वड़े का आउटर लेयर। इसलिए हमें चाहिए बेसन का आटा। इसमें हम नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लेंगे। उसके बाद 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। इसमें थोड़ा अजवाइन क्रश करके डालेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करके मिक्स कर लें। यह हमारा आउटर लेयर बनकर रेडी है वड़ा बनाने के लिए। जो हमने फिलिंग रेडी की थी उसमें थोड़ा फिलिंग लें और इस तरह गोल बनाकर अच्छे से गोल बनाएं उसे और उसके बाद उसे प्रेस करें। प्रेस कर करके उसे अलग से प्लेट में निकाल कर रखें। मज़ीद ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जब भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। अब ये जो पोटैटो का मिक्सचर है ये इस आटे में अच्छी तरह से डिप कर लेंगे। उसके बाद तेल में अच्छी तरह से डीप फ्राई करेंगे लो फ्लेम पर। अब हमारे वड़े अच्छी तरह से डीप फ्राई होकर रेडी हैं। अब इन्हें अलग निकाल लेंगे। इसी तरह सारे वड़ों को आप अच्छी तरह से तल लें। उसके बाद हम पाव के ऊपर सेजवान चटनी या टोमेटो सॉस लगाएंगे। अगर आपको शेजवान सॉस बनाने की रेसिपी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां जाकर देखें।
फिर उसके बाद उसमें से थोड़ी शव ऐड करेंगे। अब हमारा पूरा वड़ा पाव बनकर रेडी है। इसी तरह सारे पाव के अंदर चटनी वगैरह सब लगाकर वड़ा रखकर आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें। कमेंट करके बताना ना भूलें। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।